कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में। कल तक हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने मराठा शासन खत्म किया था, है ना? आप बताएं मुझे कि मराठा शासन के अंतर्गत जब पुनः मराठा शासन का समय आता है, उस समय जो छत्तीसगढ़ है उसमें कितने जिलेदार नियुक्त होते हैं? पुनः मराठा शासन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिलेदार नियुक्त होते हैं, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं। इसके अलावा आप बताइएगा कि जो कैप्टन एगन्यू थे, जब ब्रिटिश संरक्षण काल चल रहा था उस समय कैप्टन एगन्यू जो थे, उनके समय कितने परगने थे, और परगनों के नाम लिखकर आप बताएंगे कि जेनकिंस के रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा जो परगना था वो सबसे बड़ा था, कौन सा परगना सबसे छोटा था, और कौन सा परगना सबसे नया था। जल्दी आप करें क्या कमेंट और अपना आंसर जल्दी से दीजिए आप। उसके बाद आगे जो आज का हमारा टॉपिक है वह है बस्तर का इतिहास। ठीक, आज का टॉपिक क्या है हमारा? बस्तर का इतिहास। बस्तर का इतिहास भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, जैसा हमने मराठा शासन को पढ़ा था। मराठा शासन के जैसे ही दो पार्ट, बस्तर का क्या क्या होगा, तो बस्तर के इतिहास के अंतर्गत एक पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में, क्या छिंदक नागवंश, और दूसरा हम पढ़ेंगे काकती वंश। जो हमारा वीडियो आएगा कल उसमें आप क्या पढ़ेंगे, काकती वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, छिंदक नागवंश। ठीक है, कौन सा वंश? तो छिंदक नागवंश के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक है, किसके संबंध में? तो छिंदक नागवंश के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है, इस वंश के शासक शैव एवं वैष्णव धर्म का पालन करते थे। दूसरा बोल रहा है, इनकी उपाधि भोगवती पुरेश्वर है। इनके शैव होने की जानकारी कमलपत्र कदली से मिलती है, और छिंदक नागवंश का काल बस्तर का स्वर्ण युग कहलाता है। क्या छांटना है अब हमको इसमें? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं हमको? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है मतलब क्या छांटना है आपको? अभी तक तो आप सीख गए हैं ये सब, तो हमको छांटना है सत्य कथन। ठीक है, क्या छांटना है? सत्य कथन हमको छांटना है। चलो जल्दी से आप अपना सत्य कथन लगाएं, यहां पर अपना आंसर दे जल्दी आप। लगा लिया आपने आंसर? चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, हेडिंग डालें आप क्या, छिंदक नागवंश, छिंदक नाग वंश। छिंदक जो नाग वंश है इसका समय है 1023 से 1324। ठीक है, छिंदक नागवंश का समय क्या? तो 1023 से 1324। किसका समय है? तो छिंदक नागवंश का समय है। क्लियर। दूसरा, छिंदक नागवंश की राजधानी, छिंदक नागवंश की जो राजधानी है वह है बारसूर। ठीक, छिंदक नागवंश की राजधानी क्या थी? तो छिंदक नागवंश की राजधानी बारसूर है। छिंदक नागवंश के जो शासक थे वो उपाधि धारण करते थे भोगवती पुरेश्वर, भोगवती पुरेश्वर या भगवती पुरेश्वर।
भगवती पुरेश्वर या भगवती पुरेश्वर, ये क्या है, इनकी उपाधि है। क्या है उपाधि? तो भगवती पुरेश्वर या भगवती पुरेश्वर। ठीक, जो छिंदक नाग वंश है, इस छिंदक नाग वंश के संस्थापक, इसके संस्थापक हैं नृपति भूषण, नृपति भूषण, और छिंदक नाग वंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र थे। ठीक है, कौन थे? तो हरिश्चंद्र इस वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, जो छिंदक नाग वंश है ये दो शाखाओं में विभाजित था। ठीक है, कितने शाखाओं में पढ़ेंगे इसको हम? तो दो शाखा। इसके अंतर्गत जो प्रथम शाखा है, ठीक है, कौन सी शाखा? तो प्रथम शाखा और एक द्वितीय शाखा। जो प्रथम शाखा थी इस वंश की वो शैव धर्म को मानती थी। ठीक है, कौन से धर्म को मानने वाली थी? तो ये शैव धर्म को मानने वाले थे। और इसकी जानकारी कि प्रथम शाखा जो है वो शैव धर्म को मानती थी, इसकी जानकारी मिलती है हमको सावक संयुक्त व्याघ्र से। सावक संयुक्त व्याघ्र, ठीक, जानकारी किससे मिलती है हमको? तो सावक संयुक्त व्याघ्र से हमको जानकारी मिलती है कि जो छिंदक नागवंश है उसकी प्रथम शाखा कौश किस धर्म को मानती थी? तो शैव धर्म को मानती थी। ठीक है, दूसरा, जो छिंदक नागवंश है इसकी दूसरी शाखा जो है ये वैष्णव धर्म का पालन करती थी। किस धर्म का? तो वैष्णव धर्म का पालन करती थी। और इसकी जानकारी हमको कमल पत्र कदली से मिलती है। ठीक, किससे मिलती है? कमल पत्र कदली से हमको क्या होता है, छिंदक नागवंश के दूसरे शाखा के वैष्णव होने का प्रमाण हमको प्राप्त होता है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको? तो क्वेश्चन बोल रहा है छिंदक नागवंश के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इस वंश के शासक शैव एवं वैष्णव धर्म का पालन करते थे। बिल्कुल सही, हमने देखा अभी कि जो प्रथम शाखा थी वो शैव धर्म का और जो द्वितीय शाखा थी वो वैष्णव धर्म का पालन करती थी। ठीक है, इनकी उपाधि भगवती पुरेश्वर है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। उपाधि क्या थी? भगवती पुरेश्वर थी। इनके शैव होने की जानकारी कमल पत्र कदली से मिलती है। तो अभी हमने देखा कि इनके शैव होने की जानकारी हमको सावक संयुक्त व्याघ्र से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? तो सावक संयुक्त व्याघ्र से हमको जानकारी मिलती है कि छिंदक नागवंश की जो प्रथम शाखा थी वो क्या थी, शैव धर्म का पालन करने वाली थी। और कमल पत्र कदली से हमको पता चलता है कि इनकी जो दूसरी शाखा थी वो वैष्णव धर्म का पालन करने वाली थी। छिंदक नागवंश का काल बस्तर का स्वर्ण युग कहलाता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है कि छिंदक नागवंश का जो काल है वो बस्तर का स्वर्ण युग कहलाता है। तो आपका हमको छांटना क्या है यहाँ पर? सत्य कथन छांटना है। तो एक, दो और चार क्या है? आपका सत्य है। कहां पर दिख रहा है? तो सी में दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन अपना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छिंदक नागवंश के शासकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? छिंदक नागवंश के शासकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सोमेश्वर देव प्रथम, सोमेश्वर देव द्वितीय, कन्हर देव, जय सिंह देव। सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव, सोमेश्वर देव द्वितीय, जय सिंह देव। सोमेश्वर देव प्रथम, राजभूषण देव, नरसिंह देव, कन्हर देव, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप सुमेलित करें। कर लिया आपने? चलो सबसे पहले हम इनका राजवंश देख लेते हैं, फिर आप इसको आराम से क्या कर पाएंगे, अरेंज इसको आप कर पाएंगे। ठीक है, तो जो छिंदक नागवंश है उसके राजवंश में अभी हमने देखा कि इनके संस्थापक कौन थे। तो इनके संस्थापक हमने देखा कि कौन थे, तो ये थे नृपति भूषण। ठीक है, कौन थे? तो नृपति भूषण क्या थे? इसके संस्थापक थे। नृपति भूषण के उपरांत इनके पुत्र आए धारावर्ष। ठीक, और धारावर्ष के बाद आपको एक स्टोरी याद रखना है, एक मधुरांतक देव और दूसरा सोमेश्वर देव प्रथम।
सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक है। पहला कौन? तो मधुरांतक देव, और दूसरे कौन? तो सोमेश्वर देव प्रथम। कहा जाता है कि ये जो मधुरांतक देव थे, ये क्या थे? तो ये धारा वर्ष के संबंधी थे, ठीक है। क्या थे? तो धारा वर्ष के संबंधी थे, लेकिन संबंध स्पष्ट नहीं होता है कि कौन से संबंधी थे, है ना, किस टाइप के संबंधी थे, इसकी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। लेकिन इतना पता चलता है कि धारा वर्ष के संबंधी थे कौन? तो मधुरांतक देव। और कहा जाता है जब धारा वर्ष की मृत्यु होती है तो सोमेश्वर देव प्रथम को राजपाठ नहीं मिलता, ये जो मधुरांतक देव थे वो क्या कर लेते हैं? तो छिंदक नागवंश की सत्ता पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इसलिए धारा वर्ष के उपरांत सत्ता किसको प्राप्त हो गई? तो मधुरांतक देव को सत्ता प्राप्त हो गई। अब मधुरांतक देव को सत्ता मिल गई, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि जब सोमेश्वर देव प्रथम, ये क्या करते हैं, इनका सत्ता के लिए संघर्ष होता है मधुरांतक देव से, और सोमेश्वर देव प्रथम जो रहते हैं आने वाले समय में मधुरांतक देव की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं युद्ध में उनको पराजित करके, और अपना साम्राज्य उनसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। सोमेश्वर देव प्रथम हो गए। सोमेश्वर देव प्रथम के उपरांत कन्हर देव के उपरांत सोमेश्वर देव द्वितीय, सोमेश्वर देव द्वितीय के उपरांत आप देखेंगे जगदेव भूषण नरसिंह देव, ठीक है। जो सोमेश्वर देव द्वितीय दिख रहे हैं आपको, ठीक है, कौन? सोमेश्वर देव द्वितीय। इन सोमेश्वर देव द्वितीय को राजभूषण भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो राजभूषण भी इनको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? राजभूषण भी इनको कहा जाता है। सोमेश्वर देव प्रथम, फिर कन्हर देव के बाद सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण नरसिंह देव, जय सिंह देव, और अंतिम शासक होते हैं फिर इस वंश के हरिश्चंद्र, ठीक। अंतिम शासक कौन? तो हरिश्चंद्र। अब इसको देख लीजिए आप अच्छे से। अब इसी में से क्या करना है आपको, ये जो आपको क्वेश्चन मिला है इसको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन हो गए? नृपति भूषण के उपरांत धारावर्ष के बाद मधुरांतक देव, फिर सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव, सोमेश्वर देव द्वितीय या राजभूषण देव, ठीक है, जगदेव भूषण नरसिंह देव, जय सिंह देव और हरिश्चंद्र। ये क्या हो गया आपका? तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट, ठीक है, इनका राजवंश हो गया। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? छिंदक नागवंश के शासकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। तो सबसे पहले सोमेश्वर देव प्रथम तीनों में दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इसके बाद आप देखें, सोमेश्वर देव प्रथम के बाद आपको क्या जानना है? तो कन्हर देव जानना है, ठीक है। क्या जानना है? कन्हर देव। तो सोमेश्वर देव प्रथम के उपरांत कन्हर देव आपको कहां पर दिख रहे हैं? बी में दिख रहे हैं। तो आपका सीधा सीधा आंसर यही हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में है। क्या है? इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है। तो अगर सोमेश्वर देव प्रथम के उपरांत कन्हर देव आपको सिर्फ बी में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब आप ये कर सकते हैं कि आप ए और सी को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आपको आगे और ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनमें से कोई नहीं भी है। क्या है? इनमें से कोई नहीं भी है। कन्हर देव के बाद सोमेश्वर देव द्वितीय उपरांत जय सिंह देव, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है आपका? सही अरेंज है क्रमानुसार, एक के बाद एक। हालांकि आपको क्या नजर आएगा यहाँ पे? सोमेश्वर देव द्वितीय के उपरांत जगदेव भूषण नरसिंह देव और फिर जय सिंह देव। लेकिन है अरेंजमेंट में, ठीक है, एक के बाद एक आ रहे हैं, है ना, जस्ट बाद वाले नहीं है लेकिन उसके बाद वाले हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जय सिंह देव के जगह पर क्या लिख दिया गया है, नृपति भूषण लिख दिया गया है या धारा वर्ष लिख दिया गया है, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं है, है ना, अरेंजमेंट में है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं? बी को आंसर ले सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कुछ आपको आंसर मिले, है ना, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें तीन एक जगह से दिख रहे हैं, तीन के बाद आप दो को क्लियर कर दिए, तो डायरेक्ट आप क्या नहीं करेंगे? उसी को आंसर नहीं लगाएंगे। अगर आपके पास क्या है? इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में है, तो आप क्या करेंगे? आगे और चेक करेंगे ऐसे ऑप्शनों को। क्लियर है? अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। कौन सा शहर मंदिरों एवं तालाबों की नगरी कही जाती है? ठीक है, क्या पूछा आपको? कौन सा शहर मंदिरों एवं तालाबों की नगरी कही जाती है? आरंग, रतनपुर, बारसूर या ए और बी? जल्दी आप अपना आंसर दीजिए। लगा लिया आंसर आपने? क्लियर। देखो,
कौन सा जो शहर है वो मंदिरों एवं तालाबों की नगरी कहलाती है? तो हमको पता है मंदिरों का जो शहर है वो क्या कहलाता है, आरंग कहलाता है, और तालाबों का शहर क्या कहलाता है, तो रतनपुर कहलाता है। ठीक है, तो क्या ए और बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका? नहीं होगा। आपको पूछ रहा है कौन सा शहर बोल रहा है, तो आपको एक शहर ध्यान देना है। ठीक है, ये जो बारसूर आपको नजर आ रहा है ना, ये मंदिरों एवं तालाबों दोनों की नगरी कहलाता है, मंदिरों एवं तालाबों की नगरी। ठीक, क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है कि यहां प्राचीन समय में ठीक, प्राचीन समय मतलब कब, तो जो बारसूर है ये छिंदक नागवंश की राजधानी कब बनती है, तो ये राजधानी बनती है 1023 में। ठीक, तो प्राचीन समय के मतलब इसी 1000 या 11वीं सदी के आसपास कहा जाता है कि जो बारसूर है यहां कितने, ठीक है, बारसूर है तो बारसूर में कितने, तो बारसूर के अंतर्गत 147, ठीक है, बारसूर के अंतर्गत कितने, तो 147 तालाब और 147 मंदिर थे। ठीक है, कितने थे, तो 147 तालाब और 147 मंदिर थे यहां पर, इसलिए बारसूर को क्या कहा जाता है, मंदिरों एवं तालाबों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो मंदिरों एवं तालाबों की नगरी कहा जाता है। क्लियर है, बारसूर क्या, तो छिंदक वंश की राजधानी, राजधानी कब, तो 1023 में। किसने बनाया, तो बारसूर के अंतर्गत, बारसूर को राजधानी छिंदक नागवंश के संस्थापक नृपति भूषण ने अपनी राजधानी इसको बनाया था। क्लियर है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है धारा वर्ष के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक, क्या क्या कथन है, तो पहला बोल रहा है इनकी जानकारी बारसूर एवं कुरुषपाल शिलालेख से मिलती है। दूसरा बोल रहा है धारा वर्ष चालुक्यों के अधीन शासन करते थे। तीसरा बोल रहा है इनका समय बस्तर का स्वर्ण युग कहलाता था। और चौथा बोल रहा है इन्होंने चंद्रादित्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था। आपको सत्य कथनों की क्या करनी है, पहचान करनी है। ठीक है, क्या करनी है आपको, सत्य कथनों की पहचान करनी है। क्लियर है कि नहीं है, करिए जल्दी से आप अपने सत्य कथनों की पहचान करें। लगा लिया आपने आंसर, चुन लिया आपने अपना सही कथन, हो गया आपका। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम धारा वर्ष के बारे में। ठीक है, धारा वर्ष कौन, तो धारा वर्ष, ये जो धारा वर्ष हैं इनकी जानकारी, धारा वर्ष की क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है बारसूर अभिलेख में। ठीक है, किसमें प्राप्त होती है, तो बारसूर अभिलेख में हमको क्या मिलती है, तो धारा वर्ष की जानकारी मिलती है। ठीक है, बारसूर अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, तो बारसूर अभिलेख में कहा गया है कि जो धारा वर्ष थे वो किसके पुत्र थे, तो ये नृपति भूषण के पुत्र थे, ऐसा बताते हैं ये। ठीक है, किसके पुत्र थे, तो नृपति भूषण के पुत्र थे। धारा वर्ष किसके पुत्र, तो धारा वर्ष नृपति भूषण के क्या थे, पुत्र थे। साथ ही बारसूर अभिलेख में उल्लेखित है कि जो धारा वर्ष थे वो चालुक्यों के अधीन शासन करते थे। ठीक है, क्या करते थे, चालुक्यों के अधीन शासन करते थे, चालुक्यों के अधीन शासन करते थे। ठीक है, कौन शासन करते थे, तो धारा वर्ष जो है वो चालुक्यों के अधीन शासन करते थे। ठीक, अब ये जो धारा वर्ष है इनके एक सेनापति या सामंत थे जिनका नाम है था चंद्रादित्य। ठीक है, क्या नाम था, चंद्रादित्य। और इस चंद्रादित्य ने बारसूर में, ठीक है, कहां पर, तो बारसूर में चंद्रादित्य शिव मंदिर चंद्रादित्य सरोवर
मामा भांजा मंदिर, का क्या कराया इन्होंने? निर्माण कराया। ठीक है, कौन से मंदिर का निर्माण कराया? तो मामा भांजा मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, कहा जाता है कि जो मामा भांजा मंदिर है इसका निर्माण मामा एवं भांजा नामक दो व्यक्तियों ने किया था। ठीक है, इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मामा भांजा मंदिर कहा जाता है। एक्चुअल ये मंदिर भी शिव भगवान को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर के अंतर्गत भगवान गणेश एवं नरसिंहनाथ जी की भी क्या है? प्रतिमा स्थापित है। ठीक, और हमको पता है कि माता पार्वती भगवान विष्णु को क्या मानती है? अपना भाई मानती है ना। इसलिए गणेश भगवान के मामा क्या हो गए? तो नरसिंहनाथ जी हो गए। और इन्हीं के कारण भी क्या कहा जाता है? इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर कहा जाता है। तो दो कारण आप ध्यान रखना, पहला इनके निर्माण से कि मामा एवं भांजा नामक दो व्यक्तियों ने इस मंदिर का निर्माण किया, इसलिए इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर कहते हैं। और दूसरा, वहां पर क्या रखा हुआ है? दो प्रतिमाएं रखी हुई है, एक भगवान नरसिंहनाथ की और दूसरा भगवान श्री गणेश की। ठीक है, इसलिए भी इस मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इनकी जानकारी बारसूर एवं कुरुषपाल शिलालेख से मिलती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी हमने देखा कि बारसूर से मिलती है, साथ ही कुरुषपाल जो कि शिलालेख है किसका? इनके पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम का, उसमें भी इनके बारे में जानकारी मिलती है कि मेरे पिता का नाम क्या है? धारा वर्ष है। ऐसा कौन उल्लेखित करते हैं? तो सोमेश्वर देव प्रथम उल्लेखित करते हैं कि मेरे पिता का नाम धारावर्ष, माता का नाम गुंड महादेवी, पुत्र का नाम कन्हर देव। ऐसा किसमें उल्लेखित है? तो कुरुषपाल शिलालेख में उल्लेखित है। और बारसूर शिलालेख से तो इनकी जानकारी प्राप्त हो ही रही है, इन्हीं को है वो। ठीक, दूसरा, धारावर्ष चालुक्यों के अधीन शासन करते थे, यह कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है कि धारावर्ष जो थे वो क्या कर रहे थे? चालुक्यों के अधीन शासन कर रहे थे। किससे हमको जानकारी मिल रही थी? तो हमको बारसूर अभिलेख से जानकारी मिल रही है कि जो धारावर्ष हैं वो क्या करते हैं? तो चालुक्यों के अधीन शासन करते थे। ठीक, इनका समय बस्तर का स्वर्ण युग कहलाता है, यह गलत। इनका समय नहीं कहलाता है, इनके पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम का समय क्या कहलाता है? बस्तर का स्वर्ण युग कहलाता है। चौथा, इन्होंने चंद्रादित्य शिव मंदिर का निर्माण कराया? नहीं, इन्होंने चंद्रादित्य शिव मंदिर का निर्माण नहीं कराया है। इनके सेनापति चंद्रादित्य ने क्या कराया है? तो शिव मंदिर का निर्माण कराया है। क्लियर है, इनके सेनापति चंद्रादित्य ने क्या किया है? तो शिव मंदिर का निर्माण कराया है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है बात? तो अगर पूछता कि इनके शासन काल में चंद्रादित्य शिव मंदिर का निर्माण हुआ है तो यह क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन एक्चुअली इनको द्वारा क्या नहीं किया गया है? तो शिव मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया है। क्लियर है, इसलिए यह कथन भी क्या हो जा रहा है? आपका गलत हो जा रहा है। और हमको छांटना क्या है? सत्य कथन की पहचान करनी है। तो क्या है हमारा सत्य? एक और दो सत्य है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका आंसर हो जाएगा कि एक और दो क्या है? सत्य है। क्लियर है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, छिंदक नाग वंश का कौन सा शासक राजेंद्र चोल के समकालीन था? ठीक है, किसके समकालीन था? तो दक्षिण भारत में चोल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक, परम प्रतापी शासक राजेंद्र चोल। ठीक है, जिनके समय में क्या कर लिया गया था? तो संपूर्ण जो बंगाल की खाड़ी है उस पर विजय प्राप्त किया गया था। और इन्हीं के समय जो बंगाल की खाड़ी है उसको क्या बोला जाता था? तो चोल झील बोला जाता था। उस राजेंद्र चोल के समकालीन छिंदक नागवंश का कौन सा शासक था? धारावर्ष था, सोमेश्वर देव प्रथम था, सोमेश्वर देव द्वितीय था, कि मधुरांतक देव था? ठीक है, जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं। लगा लिया आंसर आपने? क्लियर है, तो हमने अभी राजवंश जब देखा था किसका, तो छिंदक नागवंश का, तो उसमें हमने देखा था कि धारावर्ष और धारावर्ष के उपरांत कौन शासक बन रहे थे? तो मधुरांतक देव शासन बन रहे थे। ठीक है, और क्या उल्लेख मिल रहा था हमको? तो धारावर्ष क्या थे? तो धारावर्ष जो थे या धारावर्ष के संबंधी थे कौन? मधुरांतक देव। और मधुरांतक देव और धारावर्ष का क्या नहीं हो रहा था? संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा था। और धारावर्ष के मृत्यु उपरांत क्या कर लिया गया था? मधुरांतक देव के द्वारा जो छिंदक नागवंश की सत्ता है उसको हथिया लिया गया था। तो ये जो मधुरांतक देव रहते हैं ये शासन करते हैं किसके सहयोग से? तो चोलों के सहयोग से। और किस चोल शासक के सहयोग से? तो राजेंद्र चोल के सहयोग से। तो जो राजेंद्र चोल हैं वो किसके समकालीन थे? तो मधुरांतक देव के समकालीन थे। छिंदक नागवंशी शासक
मधुरांतक देव के क्या थे? समकालीन थे। कौन? तो राजेंद्र चोल मधुरांतक देव के क्या थे? समकालीन थे। ठीक। और मधुरांतक देव के बारे में कहा जाता है कि ये चोलों के सहयोग से ही क्या कर रहे थे? शासन अपना कर रहे थे, अपना सत्ता संचालित कर रहे थे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो राजेंद्र चोल के समकालीन शासक कौन थे छिंदक नागवंश में? तो मधुरांतक देव थे। अगला, बस्तर क्षेत्र में नरबलि का साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? बस्तर क्षेत्र में नरबलि का साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? एक चीज पता चल गया हमको कि बस्तर क्षेत्र में क्या हो रहा था, तो नरबलि हो रहा था। ठीक है। तो ये जो नरबलि हो रहा था उसका साक्ष्य हमको किससे प्राप्त होता है? कुरुषपाल शिलालेख से, राजपुर ताम्रपत्र से, बारसुर अभिलेख से कि दंतेश्वरी मंदिर शिलालेख से? किससे हमको जो बस्तर क्षेत्र में नरबलि का साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहा है? लगाइए आप अपना आंसर, जल्दी आप अपना आंसर लगाएं। लगा लिया आपने आंसर? क्या लगाया है? दंतेश्वरी मंदिर शिलालेख। किसने किसने लगाया दंतेश्वरी मंदिर शिलालेख? इसका आंसर है राजपुर ताम्रपत्र। ठीक है। क्या है इसका आंसर? तो राजपुर ताम्रपत्र इसका आंसर है। ठीक है। जो मधुरांतक देव थे, ठीक है, कौन? मधुरांतक देव। ये मधुरांतक देव की जानकारी हमको प्राप्त होती है किसमें? तो राजपुर ताम्रपत्र में। राजपुर ताम्र पत्र में क्या होती है हमको? तो मधुरांतक देव की जानकारी हमको प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें कहा गया है कि राजपुर ताम्रपत्र में कि मधुरांतक देव ने राजपुर ग्राम, ठीक है, कौन सा ग्राम? तो राजपुर ग्राम ब्राह्मणों को दान दिया था। राजपुर ग्राम ब्राह्मणों को दान दिया था। दूसरा, इसमें जानकारी मिलती है हमको, किसमें जानकारी मिलती है? तो राजपुर ताम्रपत्र में कि जो बस्तर है, ठीक है, क्या आपका बस्तर उस समय क्या कहलाता था? चक्रकूट। चक्रकूट अर्थात बस्तर को इस राजपुर ताम्रपत्र में क्या कहा गया है? तो भ्रमरकोट कहा गया है। ठीक। क्या कहा गया है? भ्रमरकोट। चक्रकोट को क्या कहा गया है? भ्रमरकोट कहा गया है। ठीक। चक्रकोट बस्तर को क्या कहा गया है? तो चक्रकोट बस्तर को भ्रमरकोट इसमें कहा गया है। इसके अलावा इसी राजपुर ताम्रपत्र में नरबलि का भी साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। ठीक है। किसका साक्ष्य प्राप्त होता है? तो नरबलि का साक्ष्य प्राप्त होता है। नरबलि का साक्ष्य प्राप्त होता है हमको। ठीक है। किसका साक्ष्य प्राप्त होता है? तो नरबलि का साक्ष्य प्राप्त होता है। साक्ष्य मधुरांतक देव के बारे में आपने और क्या जाना? तो मधुरांतक देव किसके संबंधी थे? तो धारावर्ष के संबंधी थे, लेकिन संबंध स्पष्ट नहीं होता। साथ ही चोल शासक राजेंद्र चोल के क्या थे? ये समकालीन थे। और चोलों की सहायता से ही मधुरांतक देव क्या कर रहे थे? तो अपना सत्ता संचालित कर रहे थे, अपना शासन चला रहे थे। क्लियर है यहां पर? तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तो राजपुर ताम्रपत्र हो गया। राजपुर ताम्रपत्र से हमको क्या मिल रहा है? तो बस्तर क्षेत्र में नरबलि का साक्ष्य मिल रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कुरुषपाल शिलालेख के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक है। किसके संबंध में? कुरुषपाल शिलालेख के संबंध में आपको क्या करना है? कथनों पर विचार करना है। पहला, यह शिलालेख संस्कृत भाषा एवं ये तिथि हो गया है, इसको ब्राह्मी लिपि कर लें आप। ठीक है। क्या कर लें इसको आप? तो इसको आप ब्राह्मी लिपि कर लेना। संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी स्क्रिप्ट संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। दूसरा, शिलालेख में जारी करने की तिथि उल्लेखित है। तीसरा, इस शिलालेख में कुल 39 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 39 पंक्तियां हैं। इसमें
चक्रकोट के सीमा की जानकारी प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा जो कथन है वह सत्य है ये आपको जानना है। 1, 3, 4 सत्य है, 2, 3, 4 सत्य है, 3, 4 सत्य है कि सभी सत्य है। जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं इसमें। लगा लिया आपने आंसर। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले कुरुषपाल शिलालेख के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में? तो कुरुषपाल शिलालेख, ठीक है, किसके बारे में हम पढ़ते हैं? तो कुरुषपाल शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ये जो कुरुषपाल शिलालेख है ये किसका है? तो छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर देव प्रथम का है। ठीक है, किसका है? सोमेश्वर देव प्रथम का है। ठीक है, कौन सा शिलालेख? तो कुरुषपाल शिलालेख। ठीक है, और ये जो शिलालेख है इसकी भाषा, ठीक है, किस भाषा में उल्लेखित है ये? तो ये संस्कृत भाषा में उल्लेखित है। ठीक, कुरुषपाल शिलालेख किस भाषा में उल्लेखित? तो कुरुषपाल शिलालेख संस्कृत भाषा में क्या है? उल्लेखित है। ठीक है, फिर आप जानना कि संस्कृत भाषा और कौन से लिपि में? तो ये संस्कृत भाषा एवं देवनागरी लिपि में उल्लेखित है। ठीक है, किसमें उल्लेखित है? संस्कृत भाषा एवं देवनागरी लिपि में उल्लेखित है। और ये जो कुरुषपाल शिलालेख है इसमें तिथि का उल्लेख नहीं है, तिथि का उल्लेख नहीं है। ठीक है, कि किस वर्ष ये क्या आपका तो कुरुषपाल शिलालेख जारी किया गया इसका उल्लेख हमको प्राप्त नहीं होता। किसमें? तो कुरुषपाल शिलालेख में। ठीक है, इसके अलावा ये जो कुरुषपाल शिलालेख है आपका, कौन सा शिलालेख? तो कुरुषपाल शिलालेख, इस कुरुषपाल शिलालेख में कुल 39 पंक्तियां हैं। ठीक है, 39 पंक्तियां हैं कुरुषपाल शिलालेख में। कितनी पंक्तियां? तो कुरुषपाल शिलालेख में कुल 39 पंक्तियां हैं। ठीक है, 39 लाइनों में क्या है? तो ये शिलालेख लिखा हुआ है। इसमें से ये जो 39 पंक्ति है इसमें से 20वें पंक्ति में, ठीक है, कौन से पंक्ति में? तो इसके 20वें पंक्ति में उल्लेखित है कि सोमेश्वर देव प्रथम ने दक्षिण कोसल के, सोमेश्वर देव प्रथम ने दक्षिण कोसल के 6,96,000 ग्रामों पर, 6,96,000 ग्रामों पर विजय प्राप्त की थी, 6,96,000 ग्रामों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, 20वीं पंक्ति में क्या उल्लेख है? तो एक लाइन में बता सकते हैं कि सोमेश्वर देव प्रथम के विजय अभियानों का उल्लेख है। कौन से विजय अभियान? तो दक्षिण विजय अभियान का, दक्षिण कोसल के विजय अभियान का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत इसमें उल्लेखित है कि सोमेश्वर देव प्रथम ने दक्षिण कोसल के 6,96,000 ग्रामों पर क्या किया था? तो विजय प्राप्त किया था। क्लियर है, किसमें उल्लेख है? तो 20वीं पंक्ति में उल्लेख है। इसके अलावा कुरुषपाल शिलालेख में बस्तर के सीमा की भी जानकारी मिलती है, बस्तर के सीमा की जानकारी, ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है? तो बस्तर के सीमा की जानकारी हमको इसमें मिलती है। ठीक है, किसकी जानकारी? तो बस्तर के सीमा की जानकारी। क्या बताया गया है सीमा के बारे में इस शिलालेख में? ठीक है, कि बस्तर की सीमा कहां से कहां तक है, क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि बस्तर के दक्षिण में, किसमें? बस्तर के दक्षिण में, दक्षिण में गोदावरी नदी, बस्तर के दक्षिण में गोदावरी नदी एवं पूर्व में शबरी और भोगवती नदी, शबरी और भोगवती नदी इसकी सीमा बनाती है, इसकी सीमा बनाती है। ठीक है, क्या क्या? तो दक्षिण में गोदावरी नदी एवं पूर्व में शबरी और भोगवती नदी इसकी सीमा बनाती है। इसकी मतलब किसकी?
तो बस्तर की सीमा बनाती है, ठीक है। इसके अलावा जो कुरुषपाल शिलालेख है इसमें सोमेश्वर देव प्रथम के पिता, पिता कौन, तो धारावर्ष, माता, माता का नाम क्या, तो गुंड महादेवी, और इनके पुत्र कन्हर देव, ठीक है। पुत्र कौन, तो कन्हर देव का भी क्या है, नाम इसमें उल्लेखित है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, इतनी जानकारियां मिलती हैं हमको किसमें, तो कुरुषपाल शिलालेख में हमको ये सभी जानकारियां प्राप्त होती है। समझ में आ गया, आराम से आप इसको कितने नंबर में, 4 से 8 नंबर में भी क्या कर सकते हैं, अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर में तो कम से कम क्या कर सकते हैं आप, अपने आंसर राइटिंग कुरुषपाल शिलालेख के संबंध में कर सकते हैं। क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है यहां तक। अब चले हम अपना क्वेश्चन देख लें, अब आराम से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यह शिलालेख संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो अभी हमने देखा था कि संस्कृत भाषा तो थी लेकिन लिपि इसकी क्या नहीं थी, ब्राह्मी नहीं थी। लिपि क्या थी इसकी, देवनागरी थी, ठीक है। लिपि क्या थी इसकी, तो इसकी लिपि देवनागरी थी। इसलिए पहला जो कथन है वो क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, शिलालेख में जारी करने की तिथि उल्लेखित है, यह भी गलत है। अभी जस्ट हमने देखा था कि शिलालेख में जारी करने की तिथि उल्लेखित नहीं है, ठीक है। शिलालेख में एग्जैक्ट वो तिथि उल्लेखित नहीं है कि किस वर्ष क्या किया गया था, तो कुरुषपाल शिलालेख को जारी किया गया था। इस शिलालेख में कुल 39 पंक्तियां हैं, सही है, 39 पंक्तियां हैं। और 20वें पंक्ति में क्या, तो दक्षिण कोसल के 6,96,000 ग्रामों पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर क्या, इसमें चक्रकोट की सीमा की जानकारी मिलती है, यह भी सही है, चक्रकोट की सीमा की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, तो दक्षिण में सबरी नदी, सॉरी दक्षिण में सबरी नदी नहीं, दक्षिण में कौन सी नदी, तो गोदावरी नदी, और पूर्व में कौन सी नदी, तो सबरी और भोगवती नदी क्या करती है, इसकी सीमा बनाती है। तो कौन कौन सा कथन सही दिख रहा है आपको, तीसरा और चौथा सही दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सोमेश्वर देव प्रथम के संबंध में कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज इनकी उपाधि है। दूसरा, इन्होंने रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था। तीसरा, इन्होंने मधुरांतक देव को पराजित किया था। चौथा, वेंगी पर विजय प्राप्त की थी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, बोल रहे फिर से आपको, क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, क्या छांटना है आपको, तो आपको छांटना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा छांटना है आपको, तो आपको इसमें सत्य कथन छांटने हैं, ठीक है। कौन से कथन छांटने हैं, सत्य कथन छांटने हैं। जल्दी से छांटे आप सत्य कथन, लगा लिया आपने आंसर, चर्चा करें, चलो करते हैं। सोमेश्वर देव प्रथम, सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनके उपाधि देख लेते हैं, उपाधि के बारे में आपको पूछा गया है, क्या क्या बोला गया है जल्दी बताएं, ठीक है। कौन कौन सी उपाधि बोली गई है सोमेश्वर देव प्रथम की, जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन में कौन कौन सी उपाधि सोमेश्वर देव प्रथम की लिखी गई है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कमेंट वहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, तो एक परमेश्वर लिखा हुआ है, दूसरा परम भट्टारक लिखा है, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, ये सारी क्या है, तो सोमेश्वर देव प्रथम की उपाधि है, ठीक। इनके विजय अभियानों पर अगर मैं चर्चा करूं, विजय अभियान, तो विजय अभियान में सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, तो मधुरांतक देव को पराजित कर या मधुरांतक देव की हत्या कर अपना साम्राज्य प्राप्त किया, अपना साम्राज्य प्राप्त किया इन्होंने, ठीक है। किसको पराजित कर, तो मधुरांतक देव को पराजित कर इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने अपना साम्राज्य प्राप्त किया। क्लियर यहां तक। दूसरा, आप ध्यान देना कि जो सोमेश्वर देव प्रथम है, इन्होंने
उड्र विजय, ठीक है, कौन सा विजय? तो उड्र विजय मतलब उड़ीसा पर क्या की इन्होंने विजय प्राप्त की, उड़ीसा विजय, ठीक है, कहां पर विजय प्राप्त की? तो उड़ीसा पर विजय प्राप्त की और उड़ीसा के सोमवंशी शासकों को इन्होंने पराजित किया था, ठीक है, कौन से शासकों को? तो सोमवंशी शासकों को क्या किया था? सोमेश्वर देव प्रथम ने पराजित किया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वेंगी पर भी विजय प्राप्त की थी, वेंगी पर विजय, ठीक। इसके अलावा लेमड़ा मतलब आज वर्तमान का लवन, बलौदा बाजार, यहां पर विजय प्राप्त किया, ठीक। इसके अलावा जो सोमेश्वर देव प्रथम हैं, उन्होंने लांजी बालाघाट पर विजय प्राप्त किया, बालाघाट मध्य प्रदेश, लांजी बालाघाट मध्य प्रदेश पर विजय प्राप्त किया, ठीक। इन सब के अलावा इन्होंने बैरागढ़ महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा सोमेश्वर देव प्रथम ने रतनपुर के कलचूरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को भी पराजित किया था, ठीक है। किसे पराजित किया था? तो पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था, ठीक है। किसको? तो पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? तो सोमेश्वर देव प्रथम ने कलचूरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है। और उन्हीं के समय से क्या कर रहे थे वो? तो दक्षिण कोसल में अपना विजय अभियान चला रहे थे। और दक्षिण कोसल के अंतर्गत कितने ग्रामों पर विजय प्राप्त की? तो कुरुषपाल शिलालेख के अनुसार 6,96,000 ग्रामों पर विजय प्राप्त की। फिर पृथ्वीदेव प्रथम के उपरांत जब जाजल्यदेव प्रथम, इनके पुत्र जाजल्यदेव प्रथम क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। तो जाजल्यदेव प्रथम प्रतिशोध की भाव से क्या करते हैं? तो इन पर आक्रमण करते हैं। किन पर आक्रमण करते हैं? तो सोमेश्वर देव प्रथम पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करके ये जो सोमेश्वर देव प्रथम रहते हैं, इनको इनके मंत्री, इनके रानियों सहित क्या कर लेते हैं? कैद कर लेते हैं, ठीक है, पकड़ते हैं, पराजित करते हैं, पराजित करके पकड़ कर क्या करते हैं? इनको कैद कर लेते हैं। कैद करने के उपरांत कुछ समय जब बीत जाता है, तब सोमेश्वर देव प्रथम की माता, जिनका नाम क्या? गुंड महादेवी। इस गुंड महादेवी के निवेदन पर जो जाजल्य देव प्रथम थे वो क्या करते हैं? तो जाजल्य देव प्रथम इन सोमेश्वर देव प्रथम को क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। ले चल जा भाई, माता आकर बोल रही है, माता माता होती है, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, ठीक है, तो उनके सम्मान में मैं क्या करता हूं? आपको मुक्त करता हूं, ठीक है। तो जाजल्य देव प्रथम इनको पराजित किया, पराजित करके इनके मंत्री और इनके रानियों सहित क्या कर लिए? कैद कर लिए। और कैद करने के उपरांत उनकी माता, मतलब सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी के निवेदन पर ये क्या कर देते हैं? तो सोमेश्वर देव प्रथम को मुक्त कर देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? और थोड़ा सा निर्माण कार्य देख लेते हैं इनके बारे में, ठीक है, कि सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा कौन सा निर्माण कार्य कराया गया। निर्माण, तो निर्माण में बस्तर के अंतर्गत चित्रकूट के समीप ये क्या कराते हैं? तो नारायण पाल का मंदिर बनवाते हैं, नारायण पाल का विष्णु मंदिर, नारायण पाल मंदिर, है ना, नारायण पाल मंदिर का निर्माण कराया। नारायण पाल मंदिर हमने पढ़ा था जब हम क्या पढ़ रहे थे? अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। तो ये कौन से दो नदियों के संगम पर है? तो नारायण पाल का जो मंदिर है ये नारंगी और इंद्रावती, ठीक है, क्या? नारंगी और इंद्रावती नदी के क्या है? संगम पर स्थित है, ठीक है। किसके संगम पर स्थित? तो नारायण पाल का जो मंदिर है वो नारंगी और इंद्रावती नदी के संगम पर स्थित है। और ये जो नारायण पाल का मंदिर है ये क्यों निर्मित कराया था? तो अपनी माता गुंड महादेवी के विष्णु भक्ति से प्रभावित होकर सोमेश्वर देव प्रथम ने क्या कराया था? तो नारायण पाल का मंदिर निर्मित कराया था, ठीक है। इसके अलावा सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी गंग महादेवी,
के द्वारा बारसूर में बत्तीसा मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, क्या कराया गया था? तो बारसूर में बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ध्यान में रखेंगे इस बात को आप। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोमेश्वर देव प्रथम के संबंध में कथनों पर विचार करना है। परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीराज इनकी उपाधि है। बिल्कुल सत्य, परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीराज क्या है? इनकी उपाधि है। दूसरा, इन्होंने रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया। मैंने बताया भी कि हाँ, पराजित किया था। किसको? पृथ्वीदेव प्रथम को, और उनके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, फिर तीसरा, इन्होंने मधुरांतक देव को पराजित किया था। यह कथन भी बिल्कुल सही है, मधुरांतक देव को पराजित किया था। और चौथा, वेंगी पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, कहां पर विजय प्राप्त की थी? तो वेंगी पर विजय प्राप्त की थी। और ये जो वेंगी है, ये गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, किसका क्षेत्र है? तो गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र। अब हमको छांटना क्या है, कौन सा कथन जो है असत्य नहीं है, मतलब सत्य छांटना है। सब कथन क्या है? सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, सभी कथन क्या है? सत्य है। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, देखते हैं अब हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला बोल रहा है, छिंदक नाग वंश का कौन सा शासक माणिक देवी का उपासक था? छिंदक नागवंश का कौन सा शासक माणिक देवी का उपासक था? जगदेव भूषण नरसिंह देव, राजभूषण देव, कन्हर देव या धारा वर्ष, कौन जो था शासक वो माणिक देवी का उपासक था? जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं कि कौन सा शासक माणिक देवी का उपासक था। लगा लिया आपने आंसर? हो गया आंसर लगा लिए आप? देखें, इसमें जगदेव भूषण, धारा वर्ष के बारे में हम पढ़ लिए है ना, धारा वर्ष के बारे में आप जान लिए। कन्हर देव जो थे वो क्या थे? तो कन्हर देव सोमेश्वर देव प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? तो सोमेश्वर देव प्रथम के पुत्र थे। और ये जो कन्हर देव थे, ये कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के समकालीन थे। पृथ्वीदेव द्वितीय के समकालीन, और पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति, ठीक, सेनापति कौन? तो जगपाल देव ने कन्हर देव को पराजित किया था। ठीक है, किसको पराजित किया था? तो कन्हर देव को पराजित किया था। ठीक है, और ये जो जगदेव भूषण नरसिंह देव दिख रहा है आपको, ठीक है, कौन? जगदेव भूषण नरसिंह देव, राजभूषण देव, राजभूषण देव सोमेश्वर देव द्वितीय के रूप में इसको जानते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं जानने इनके बारे में। जगदेव भूषण नरसिंह देव, इनकी जानकारी मिलती है हमको भैरमगढ़ शिला लेख में। ठीक है, किसमें मिलती है? भैरमगढ़ शिला लेख में हमको क्या होती है? तो जगदेव भूषण नरसिंह देव के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में कहा गया है कि जो जगदेव भूषण नरसिंह देव थे वो माणिक देवी के उपासक थे। ठीक है, किसके उपासक थे? तो माणिक देवी के उपासक थे। ठीक, माणिक देवी जो थी वो बस्तर क्षेत्र में थी नहीं, मतलब है माणिक देवी जो है वो बस्तर क्षेत्र में दंतेश्वरी माता के रूप में ही क्या है? पूजनीय है। दंतेश्वरी माता के समान ही क्या है? माणिक देवी पूजनीय है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जगदेव भूषण नरसिंह देव। ठीक, क्या? जगदेव भूषण नरसिंह देव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस शिलालेख को सती स्मारक शिलालेख कहा जाता है? किस शिलालेख को सती स्मारक शिलालेख कहा जाता है? टेमरा शिलालेख, भैरमगढ़ शिलालेख, बारसूर शिलालेख और एर्राकोट शिलालेख। ठीक है, किस शिलालेख को सती स्मारक शिलालेख कहा जाता है? जल्दी आप आंसर दीजिए। लगा लिया आपने आंसर? किस शिलालेख को क्या कहा जाता है? सती स्मारक शिलालेख कहा जाता है, यह आपको बताना है। टेमरा शिलालेख को, भैरमगढ़ शिलालेख को, बारसूर शिलालेख को कि एर्राकोट शिलालेख को? सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये सारे शिलालेख हैं किसके। तो ये जो एर्राकोट शिलालेख आपको दिख रहा है, ये छिंदक नागवंश के संस्थापक नृपति भूषण का है। ठीक है, किसका है? नृपति भूषण का है एर्राकोट शिलालेख, और ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। बारसूर शिलालेख है किसका? धारा वर्ष का, हमने अभी पढ़ा था। ठीक, जो भैरमगढ़ शिलालेख है ये किसका है? तो जगदेव भूषण नरसिंह देव का है। ठीक है, किसका है? जगदेव भूषण नरसिंह देव का है। ठीक, इसके अलावा ये जो टेमरा शिलालेख है ये हरिश्चंद्र का है। ठीक है, हरिश्चंद्र छिंदक नागवंश के अंतिम शासक
हरिश्चंद्र का क्या है, टेमरा शिलालेख है, और इसी टेमरा शिलालेख को, ठीक है, किसको, तो इसी टेमरा शिलालेख को क्या कहा जाता है, तो सती स्मारक शिलालेख कहा जाता है। इसी टेमरा शिलालेख को क्या कहा जाता है, तो सती स्मारक शिलालेख कहा जाता है। और इस टेमरा शिलालेख में चक्रकोट शब्द का उल्लेख हमको मिलता है, ठीक है, कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है, तो चक्रकोट शब्द का उल्लेख, ठीक है, हरिश्चंद्र, किसका है, हरिश्चंद्र का। अब आपको पता है हरिश्चंद्र क्या है, तो इस वंश के अंतिम शासक हैं। तो अंत कैसे हो रहा है इस साम्राज्य का, तो हम पढ़ेंगे अन्नमदेव। अन्नमदेव जो रहते हैं वो काकतीय वंश के शासक रहते हैं। काकतीय वंश कहां पर शासन करते रहते हैं, वारंगल क्षेत्र में। कल मैं इस पर और एक विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन आज थोड़ा एक बेसिक स्टोरी आप सुन लिए रहिए, ताकि कल के लिए क्या रहे आप प्रिपेयर रहे। तो वारंगल क्षेत्र के अंतर्गत प्रताप रुद्र देव द्वितीय का जो संघर्ष चलते रहता है वो किसे चलते रहता है, दिल्ली सल्तनत से चलते रहता है। उस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक से क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं, कौन, तो प्रताप रुद्र देव द्वितीय, और उस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनके जो छोटे भाई रहते हैं अन्नमदेव, अपनी बहन रैला देवी के साथ भगकर कहां आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं कहां पर, बस्तर क्षेत्र में। अब बस्तर क्षेत्र में जब ये आते हैं, तो बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत जो राजा है, कौन, हरिश्चंद्र, उनकी एक पुत्री रहती है जिनका नाम रहता है चमेली देवी, ठीक है। पुत्री का नाम क्या रहता है, तो चमेली देवी उनकी पुत्री का नाम रहता है। चमेली देवी को देखते हैं कहीं पर, कौन देखते हैं, तो अन्नमदेव। अन्नमदेव चमेली देवी को देखते हैं तो उसकी सुंदरता पर क्या होते हैं, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ठीक है, उसकी सुंदरता पर क्या हो जाते हैं, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में का हो गिरी सब है, तो एकदम फब गिरी से, कौन लफ गिरी से, तो हरिश्चंद्र फब गिरी से, कौन, चमेली देवी, ठीक है, कि का करूं भैया मैं एकरे से शादी करूं करके। अब प्रस्ताव भेजिस, कौन ला प्रस्ताव भेजिस, कौन ला भेजिस प्रस्ताव, तो चमेली देवी के पिता हरिश्चंद्र का करते, प्रस्ताव भेजते, कौन प्रस्ताव भेजते, तो अन्नमदेव प्रस्ताव भेजते। तो हरिश्चंद्र पहली चमेली देवी मना कर देते, एकर संग कौन शादी करी, एकर रहेक ठिकाना ना खाएक ठिकाना, अपन ओती बले भाग के आए इतनी बार, एकर संग शादी करूं नहीं करूं भैया, बेरोजगार आदमी संग मैं शादी नहीं करूं बोल देते, का बोल देते, बेरोजगार आदमी संग शादी नहीं करूं मैं, ठीक है। तो मोर बेरोजगार मित्रों का करो तुमन, हाँ पढ़ो पहली, ठीक है, पढ़ो अच्छा से नौकरी लगाओ, तब फिर का करूँ, प्यार मोहब्बत करूँ, नहीं के कैसे का हो ही नहीं, तो फिर नहीं देखने चमेली देवी बरोबर रिजेक्ट हो जाओ भाई, समझा तो बात ला, क्लियर। तो चमेली देवी क्या कर देती, मना कर देती, तो हरिश्चंद्र क्या कर देते हैं, अपने बेटी के बात को मानते हुए ये विवाह का प्रस्ताव मना कर देते हैं। अब इस बात का चिड़ लग जाता है किसको, बेरोजगार आदमी के पास कुछ रहे चाहे ना रहे, चिड़ जरूर रहता है ना, चिड़ लग गया कि भैया मेरे को रिजेक्ट कर दिए, ठीक। तो एक दिन रात में क्या होता है, हरिश्चंद्र घुस जाते हैं महल में, अब घुस कर क्या कर देते हैं, हरिश्चंद्र की हत्या, युद्ध होता है, युद्ध में चमेली देवी आती है, चमेली देवी को भी निपटा देते हैं, हो गया, प्यार नहीं तो कुछ नहीं, तू भी साफ, तेरा याद भी साफ वाला, ठीक है। तो युद्ध में क्या हो गया, हरिश्चंद्र की हत्या कर दी, युद्ध के दौरान ही चमेली देवी भी क्या हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। और फिर जो अन्नमदेव है उनके द्वारा बस्तर में क्या किया जाता है, काकतीय वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है, कौन से वंश की स्थापना की जाती है, तो काकतीय वंश की स्थापना की जाती है, क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरह आप लोग का छिंदक नागवंश वाला जो आज का टॉपिक है वो क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। कल हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे काकतीय वंश के ऊपर। काकतीय वंश का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो फिर से वही खा पी के बैठू भैया, ठीक है, बीच में उठ के खाए पिए ला नहीं जाना है, ठीक है, खा पी के बैठना, 8 बजे तैयार रहना। कल कल क्या पढ़ेंगे हम, तो कल पढ़ेंगे हम काकतीय वंश, ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।